नमस्कार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सहित सत्य सकाळ को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना नमस्कार मु निवेदिता तेबे दर्शक बंधु प्रत्येक दिन सत्य सकाळ रे आमे खबर कागज रो किछि गुरुत्वपूर्ण खबर को आपणक सामना रे उपस्थापन करिथाउ जहां निश्चित भाव रे चिंताजनक विषय होइथाय एवं कंसर्न रो टॉपिक होइथाय तो आज मध्य तमाम खबर रहिछि आमो पाखरे प्रथम खबर रहिछि जे राज्य रे कम्युनी बढ़ी चली जदि कोरोना मृत्यु संख्या कह सबू जगार आम देखा नियंत्रण को आसला कोरोना मृत्यु संख्या किंतु वर्तमान समय राज्य में संख्या बढ़ी चली एपटे डेंगू सेपटे कोरोना एणु आशा अंगनवाड़ी कर्मी पुणि थे लोक सचेतन करेंगे 5000 टपिचे मृत्यु संख्या राज्य में जहाँ निश्चित भाव में चिंताजनक द्वितीय आम देखा जे कौन से मेडिकल कलेज स्थायी अध्यक्ष नहांती कटक एमती स्वास्थ्य सेवा चली रोगी को न्याय मिलू ना डाक्तरी छात्र छात्री को मिलू स्वास्थ्य सेवा को नहीं एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती। तृतीय खबर रही बोमिकल ओवरब्रिज आपड़ जानते निर्माण में वर्तमान सुधा 44 कोटी टंका खर्च हो सारा किंतु एवं पर्यंत फल सुन किसी भी फल देखा मिलूनी पूर्त विभाग दूरदृष्टि अभाव मुंड बिंधार कारण पलटि एपटे दुर्घटना बढ़ी चली ट्राफिक विभाग हाथ टेकी से भाई भाव में बनार धोईब मनरेगा महादुर्नीति मनरेगा रे जहाँ काम हो कि भाव में केते टंका चलु करा जाउची एवं निम्न मानर काम हो तार अनेक विजुअल आम पूर्व आनीचु जाजपुर मनरेगा महादुर्नीति को नहीं जिले में गदा गदा अभियोग रही बिंझारपुर ब्लॉक जरी पंचायत रे ठोस प्रमाण हाथ में धरी पंचायतवासी असाधु मेट को हरड़ घणारे पकईंट ये तमाम खबर रही प्रथम खबर आरंभ करवा कि भाव में कोरोना मृत्यु संख्या बढ़ी चली राज्य रे ए बाबद आम खबर देखा भुवनेश्वर जुलाई मास अधा सरला एवं द्वितीय लहर जितेबाला पिक रही से कहला जो मृत्यु संख्या जदिव बेसी ना राज्य किंतु संक्रमित संख्या अधिक अच्छी तावर्त समय देखा मिलला कोरोना मृत्यु संख्या बढ़ी चलला संक्रमित संख्या वर्तमान नियंत्रण में रही किंतु मृत्यु संख्या बढ़ी चली दिन को 60 उपर यह आधार में राज्य में 5000 टपी सारा मृत्यु संख्या जहाँ निश्चित भाव में चिंताजनक विषय बाबद अधिक सूचना प्रदीप्त महापात्र आम रिपोर्टर सीधा सड़क जोड़ी होती प्रदीप्त आप जानते राज्य में संक्रमित संख्या जदिव नियंत्रण को आसी नुआ नुआ स्ट्राटेजी प्रस्तुत करा कैटेगरी ए कैटेगरी बी रे कटकणा लागू करा आंशिक कटकणा एबे भी रही पूरा अनलॉक करा जाइनी किंतु मृत्यु संख्या नियंत्रण को आसीबार ना धरुनी कमीबा बदल रे बढ़ी बढ़ी चली स्थिति निश्चित भाव में चिंताजनक निश्चित भाव में स्मृति लग्न आप जो कथा कहले गत किछि दिन धरिकी आम देखुं राज्य में स्वास्थ्य विभाग पक्षर जहाँ सूचना दि जाऊँगी प्रतिदिन सूचना दि जाऊँगी पखापाखि 60 रु ऊर्ध लोकंर मृत्यु किंतु स्वास्थ्य विभाग पक्षर से सूचा जाऊँगी यही मृत्यु संख्या गुड़िक वर्तमान समय अर्थात वर्तमान समय नुह अर्थात गोटे दिन में ये मान 60 रु ऊर्ध लोक मरी ना यह पूर्वर जो सबू लोकंर मृत्यु होता और डेथ ऑडिट हो नाला से संख्यागुड़िक बर्तमान ऑडिट होगापर बर्तमान स्वास्थ्य विभाग पक्षर दि जाऊँगी किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ तृतीय लहर को लेकिन बर्तमान उभय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार चिंता बढ़ी विशेष भाव में आम देखा आम राज्य में प्रथम लहर आसला से लोक मित्र भय रही लोक मैंने सचेतन रही किंतु वर्तमान समय लोक मैंने खामख्याली हिसाब से बहुत जगह कोरोना को ग्रहण करशेष भाव गाँ गहली जितेबाला आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी सचेतन करुते तार प्रतिफलन देखा मिलता वर्तमान समय सचेतनता आउ कि कार्यक्रम हाथ को ना दरकार प्रशासन निश्चित भाव विशेष भाव में स्वास्थ्य विभाग वर्तमान जो हिडेन केस अर्थात जो केस गुड़िक लुचि जाऊँगी जो लोक मैंने कोविड जो टेस्टिंग सेंटर को जाऊना टेस्ट करूना पॉजिटिव कि नेगेटिव गोटे प्रकार स्पष्ट हो पारना से गुड़िक सरकार विशेष गुरुत्व दौंती कारण आम जदि नजर पकाइबा पूर्व जो सरकार निष्पत्ति मे 24 रु अगस्त 24 पर्यंत डोर टू डोर सर्भेलांस अर्थात ताहा सहरांचल हो ग्रामांचल हो प्रत्येक घर को आशाकर्मी माने जिबे एवं सेमाने जो परिवार सदस्य माने थिबे जो लोक माने थिबे तांकर स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिबे तांकर जो ऑक्सीजन लेवल चेक करिबे ता सहित जो थर्मल स्कैनर रही थाए सेथिरे तांकर जो स्कैनिंग करिबे एवं थर्मोमीटर रे मध्य तांको बॉडी टेम्परेचर चेक करिबे
एभली भावे समाने डोर टू डोर बुली की लोकों को अवस्था बुझे एवं बे चौबीस रु जिते बड़े यही सर्भेलांस आरंभ होता पखापाखि एक मस भितर एक लक्ष रु ऊर्ध हिडन केस सामना को आसी तेणु जो सर्भेलांस को सरकार अगस्ट चौबीस पर्यंत जारी रखे बोली कही पूर्वर ताकू आहुरी आगू को अर्थात अगस्ट चौबीस पर डोर टू डोर सर्भेलांस जारी रही है गत काली स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना दि जाएगी तेणु यह सबुठू बड़ कथा जे तृतीय लहर को लेकिन जो आशंका रही केबे तृतीय लहर आसब तृतीय लहर को लेकिन आम के प्रस्तुत अच्छा कारण प्रथम आ द्वितीय लहर रु जो शिक्षा आम मैंने ग्रहण कर सरकार जहाँ शिखिंट ताकू दृष्टि रखिक सब स्ट्राटेजी प्रस्तुत कराऊपाई आपन जदि नजर पकेबे जो एम्स रे भुवनेश्वर एम्स रे गोटे एक्मो मेसीन आसी जाइछि जो मृत्यु संख्या कथ कहते गोटे एक्मो मेसीन आसी जाइछि सचेतनतार अभाव किए कौन स्ट्राटेजी आहरी अधिक पर आनबार आवश्यकता अच्छी मोटामोटी भाव एत चेष्टा कह मृत्यु संख्या नियंत्रण को आसुना जहाँ उद्वेगजनक जहाँ चिंताजनक आहरी तृतीय लहर चिंता बढ़ाऊँगी आउ किसी दिन भितर तृतीय लहर आसीजीबो बोली जहाँ कहुच्छे तो वर्तमान समय केमती नियंत्रण करा हो प्रशासन लोकों पर ये बहुत बड़ चैलेंज बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त समस्त अपडेट पर निहांती भाव में स्मृतिलग्ना जमी आप कौते जो कौटिना कौटि स्मृतिलग्ना जितेबाला कोरोना कथा कहुच्छे डेंगू वर्तमान समय चिंता बढ़ला तेणु प्रशासन को आहरी सजग होगा पड़ ना आगामी स्थित भयानक होड़ा जा नपे तेज परवर्त खबर आम स्मृतिलग्ना रखिंट निर्माण में चौरालीस कोटि खर्च कितु फलशून्य आप जानते बमिखाल ओभरब्रिज सब चर्चा थाए अनेक दुर्घटना घटे जेहेतु राजधानी में विशेषकर ट्राफिक समस्या एक बड़ समस्या छिड़ा जो कि भाव समस्या को दूरीभूत करा ट्राफिक को कंट्रोल करेतु जनसंख्या अधिक रही डेली जातायात रही है एठार तो ट्राफिक जाम रु मुक्ति एभली एक निष्पत्ति निगला बमिखाल ओभरब्रिज निर्माण में चौरालीस कोटी टाँग खर्च होगा कितु कहुच्च फलशून पूर्त विभाग दूरदृष्टि अभाव एवं मुंडार कारण बढ़ुच्च दुर्घटनापाई तेज हाथ टेकी ट्राफिक विभाग जहाँ को नहीं सब बमिखाल को नहीं चर्चा होता है सब बेले जेतु वर्षा दिन अनेक समस्या हो स्थानीय बासिंदा जहाँ कहते जे जेते संकुचित तो रास्ता जहाँ रही जो व्यवहार उपयोगी नुहे तेणु ये कोटना कोटि चिंतार विषय स्वप्नांजलि महांती आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ बाबद सहित आलोचना कर स्वप्नांजलि ट्राफिक समस्या को केमती दूर करोपाई बमिखाल ओभरब्रिज पर सरकार प्रस्तुत हेले पूर्त विभाग प्रस्तुत है चौरालीस कोटी टाँचा खर्च होगा कि फलशून कहुच्छे संकुचित तो रास्ता वर्तमान समय मुंड विंधार कारण पलटि जहाँ स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया देखो निवेदिता जो भाई भाव में कहगला जे ट्राफिक समस्या को हटेपी ट्राफिक समस्या नियंत्रण करने 2008 मसीह पूर्त विभाग एक प्लानिंग कला और 2012 ठिका संस्था कर्मचारी मानक टेकदेला जो बमिखाल फ्लाईओवर को निर्माण करने 2012 चिंता करागला कितु वर्तमान स्थित जहाँ रही 44 कोटी टंका खर्च हो सर से ब्रिज्र जहाँ नियम रही है जो लोक मैंने ट्राफिक समस्या को नियंत्रण करने जेहेतु जनगहली ये लगि रही है तेणु जो मैंने कल्पनु सीधा आसुचार रसुलगढ़ से मैंने ब्रिज को व्यवहार करें ना कि जो मैंने शहीद नगर पटु आसुचार बमिखाल पट को न जा सीधा सड़क से मैंने रसुलगढ़ बाहर से नियम को करवर्त मुहूर्त में किसी दिन जदिव नियम को पालन करनेक समय लोक मैंने जो लोकटी शहीद नगर रू बाहर और कटक को सीधा अभिमुखे जात्रा करने चाहिए से एत बाट रंग एत बाट न बुले रंग रूट रे जीवाई धीरे धीरे चेष्टा करा किंतु ब्रिज निर्माण रे जो त्रुटि होइतला से बोझ को स्वप्न साधारण लोकों को ऊपर नदी दिया गला कि कारण निजर त्रुटि लुचाई जा साधारण लोकों ठूँ जोरीमाना आदाय करा जिबा बारंबार समय देखा मिलला जदिओ परवर्त समय जनसाधारण यहाँ विरोध कले निहाती भाव सुधी लग्ना जो भाई भाव में कम होदी आप पूरा ब्रिज को देखुं ताल ये टू साइड ब्रिज जदिवे कि अणओसारिया रास्ता है जो अणओसारिया रास्ता पाई अनेक लोक दुर्घटनार शिकार होती जो यू टर्न रही कड़ाकड़ी चेकिंग करा जाए
जहाँ पूरा को पूरा भूल रही पूर्त विभाग जो भूल को लुचापी से लोक मानु जोरीमाना आदाय करने लगला जहाँ को विरोध कले स्थानीय बासीदा स्थानीय लोके जहाँफल कि विभिन्न जदि आम बर्षा दिन कथा स्पेशली कहता बर्षा दिन में साधारणतः जो जल निष्कासन प्रक्रिया रही ओवरब्रिज फ्लाईओवरब्रिज उपर से जल निष्कासन सठिक रास्ता यापारा जहाँपाई अनेक जगार खाल डीप रोचे अनेक आम पूर्व देखी फ्लाईओवर भुशुड़ा अनेक निर्माण कम जो विफलता पूर्त विभाग पाई लुचापी पूरा पूरी भाव में लोक मानते ये जो कार्यानुषान ग्रहण करवा लोक मुंडे दोष ठेली देवा ये पूर्त विभाग कम रही कितु परवर्त समय जिते बर्षार समस्या लग रहा है जल निष्कासन हो पारा ना अनेक लोक दुर्घटनार शिकार होती कि दुर्घटना बढ़ुची केमती ट्राफिक समस्या को दूर करपत्ति पाखापाखि 44 कोटी पानी रे पड़ा एक कहा जाए जहाँ स्थानीय बासिंदा अभियोग जे ट्राफिक विभाग पूरा आखि बुझी दुर्घटना रोक लगे कौन प्रकार व्यवस्था नहीं यारी मध्य मुंडार कारण पलटि संकुचित रास्ता बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नांजलि महांती भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित आलोचना करते परवर्त खबर को आसवा निवेदिता एमती चली राज्य स्वास्थ्य विभाग राज्यर कौन से गोटे सरकारी एलोपैथी मेडिकल कलेज एंड हस्पिटाल फुल टाइम बा पूर्णकालीन अध्यक्ष बा डीन किंबा अधीक्षक नहांती मेडिकल कॉलेज रो डीन बा अधीक्षक माने कॉलेज सहित निज विभाग विभागीय मुख्य थिबा बळे हॉस्पिटल रो अधीक्षक माने भी निज पदवी सहित विभागीय मुख्य रहिछंती फळरे ना से माने निज विभाग रोगी मानकु न्याय दे पारुछंती ना मेडिकल कॉलेज रो छात्र छात्रि को न्याय दे पारुछंती गत 2 वर्ष होइ जिवो राज्य रो सबु एलोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एभळी अव्यवस्था भितरे गति करथुबा देखिबा को मिलछि किंतु एति प्रति कहार दृष्टि पडु नाही ए बाबद्र अधिक सूचना पई विश्वजित सीधासल काम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती राज्य सर्वबृहत और सर्वपुरातन कटक एसीबी मेडिकल सामान अवस्था देखा मिली विश्वजित केतेदिन एमती चलो गोटे पक्षे राज्य में स्वास्थ्य भित्तिमि सजाड़ा निहाती दरकार कहपक्ष चित्र सामना को आ स्मृति लग्ना केवल एसीबी कथा नुहे आपड़ जानते पाखापा 14 राज्य 14 सरकारी मेडिकल रही भितर तीनोटी रही दुईटी रही केन्द्र सरकार अधीन गोटे हूँ एम्स आ गोटे अल्टोपुर निटार ए दुईटे छाड़देले आउ सब राज्य सरकार अधीन रही जानते जो पाखापाखि तीनो आयुर्वेदिक मेडिकल रही सहित गोटे होमिओपैथी मेडिकल रही बाकी एलोपैथी मेडिकल और एलोपैथी मेडिकल कथ कह एसी मेडिकल एमकेसीज मेडिकल और बुर्ला भीमसार मेडिकल कथ कहु सर्वपुरातन मेडिकल कहे एसीबी और सर्वबृहत कारण आप जानते ये हूँ बड़ मेडिकल कह जाए समस्त रेफराल मेडिकल एसीबी को धरा जाए और लोक मैंने रेफर होकर एसीबी आसता जो कथा आप कहे कौन सी विभाग कौन सी मेडिकल रे गोटे बोली गोटे स्थायी भाव गोटे विभाग रे जड़े सुपरिटेडेंट कि अध्यक्ष बा कॉलेज रो प्रिंसिपल नहांती समस्ते दुई दुईट विभाग रे दायित्व अच्छा कोई गोटे स्थायी भाव गोटे विभाग में ना ये गोटे विडम्बनार कथ आप जानते ये हूँ विश्वस्तरीय मेडिकल हम जाऊँ एसी मेडिकल सहित एमकेसीजी गोटे बृहत मेडिकल सहित भीमसार गोटे बृहत मेडिकल ये सब मेडिकल आप जानते दुई दुईट विभाग में जड़े जड़े डक्टर अच्छा से गोटे डक्टर दुईट विभाग जो रोच गोटे हूँ प्रिंसिपाल रोच पाई डीन प्रिंसिपाल रोच गोटे विभाग में अंपटे निज विभाग मुख्य जदि आम सुपरिटेडेंट कथ कह एससी मेडिकल कथ लुसी दास जी रही से स्त्री विभाग स्त्री प्रसूति विभाग मुख्य थिया बेले कॉलेज मेडिकल सुपरिटेडेंट अच्छा से हीपर देखिए एमकेसीजी मेडिकल कथ कह दीप्ति रंजन पट्टनायक जी रही मेडिसिन विभाग मुख्य सहित प्रिंसिपाल अच्छा निश्चित भाव में कौटना कौटी या पर राज्य सरकार चिंता करने आवश्यक रही देखो दुईट विभाग जो जो डाक्टर रोचा निश्चित भाव में सी गोटे पटे काम करने गोटे विभाग दायित्व ना आवश्यकता रही है दुई दुईट विभाग जड़े डाक्टर रोच निश्चित भाव में कौटना कौट बाधा सृष्टि हे गोटे पटे पिला मान असुविधा हो गोटे पटे रोगी सेवार असुविधा होश्चित भाव में राज्य सरकार पदक्षेप ना आवश्यक रही स्थायी भाव गोटे विभाग को जन को निजुक्त भाव आवश्यक रही दुई दुईट विभाग जड़े जो डॉक्टर मैंने रही से स्थायी भाव गोटे विभाग रखा आवश्यकता रही निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत सविशेष सूचना विश्वजीत जो भाव में कहते हैं अव्यवस्था दूर कर आवश्यकता रही कारण वर्तमान यार प्रति कहार दृष्टि पड़ूना लगातार भाव में चित्र देखा मिलूँ ना रोगी को न्याय मिल पारे ना मिल पारे जो मैंने रही डाक्तरी छात्र छात्री से सुफल पाई
निहांती भाव में स्मृति लग्ना जी आप कहते हैं गोटे पटे आम राज्य में स्वास्थ्य भित्तभूमि पूरापूरी असजड़ा यार मध्य एभली चित्र सामनाक आसवा निडंबनार विषय तेज परवर्त खबर को आम आसवा स्मृति लग्ना जे खबर आसूसी गंजाम जे गंजाम प्लानेटोरियम स्थान को नहीं बद देखाई दीर्घ 14 वर्ष तलु एभली एक निष्पत्ति जाता कि बर्तमान बाटबड़ा हो तहसीलदार को चिठी लिखा लिखी इडको हेले यार कौन समाधान ना जहाँ 14 वर्ष तलर निष्पत्ति बर्तमान समय बाटबड़ा होती एक कहु गंजाम जिले में प्लानेटोरियम प्रतिष्ठा पर राज्य सरकार दीर्घ 14 वर्ष तले निष्पत्ति एखापाखि 12 कोटी टंका व्यय अटक हेले 3 वर्ष मध्य यार निर्माण कार्य सर जहाँ कहला कि कार्य आरंभ हो पारानी एवं वर्तमान सुधा कम आरंभ हो पारे और कौटना कौटी कह स्थान को नहीं बर्तमान बद देखाई एवं 14 वर्ष तलर निष्पत्ति वर्तमान सुधा बाटबड़ा होती बाबद दास आलोचना करने पीतांबर नाहक आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ पीतांबर 14 वर्ष तलर निष्पत्ति वर्तमान सुधा कार्यकारी हो पारानी असुविधा क्योंटी रोचे कहीं कह स्थान को नहीं बद देखा दे माधुरी निश्चित भाव कहते स्थान को चिन्हट कर विक्रमपुर स्थान को चिन्हट कर प्लानेटोरियम हम से गोटे जमी गोटे पार्क साइंस पार्क रवस्था करशासनिक अधिकारी मान उदासीनता और पुलिस विभाग गोटे कार्यकारिता को प्रश्नवाची सृष्टि होती कहीं जिते से ग्रामवासी विरोध करते पुलिस को अपर पार्श्वे सरकारी बाबू मैंने कौन कहते हृदयंगम कर आवश्यकता रही कहीं समस्त प्रकार प्रक्रियाकरण हम समस्त कहते अन्यत्र जगह चिन्हट कर क्षेत्र में देखा जदि निश्चित भाव कौट ना कौटी बड़ दोष रोचे प्रशासनिक उदासीनता गोटे बड़ दोष कही पार कि बड़ कथ हूँ गोटे प्लानेटोरियम को 14 वर्ष लगला भित्तिप्रस्तर टी पड़ पार नहीं सठिक भाव जमी चिन्हट हो पार नहीं विड़म्बन बा कौन हो पारे अंपटे जमीती कि विभिन्न फोरम दावी होमती कि इडको बर्तमान चिठी लिखी कनिष तहसीलदार को आपशीघ्र जिते शीघ्र जमी चिन्हट करते शीघ्र आम कार्य को त्वरान्वित करू कि सब बड़ कथा हूँ प्रशासनिक अधिकारी स्तर में गोटे विड़म्बनार चित्र आसूची उदासीनतार चित्र आसूची जहाद्वारा कि दक्षिण ओडिशा गंजाम जो प्लानेटोरियम हम तार लाभ उठाब पूरा दक्षिण ओडिशा तो ए भीतर निश्चित भाव पूरा दक्षिण ओडिशा को गोटे धक्का लगुच केवल गंजाम नुहे जानते गंजाम समेत छह स्थान में प्लानेटोरियम हम बोली निष्पत्ति कहीं जानते पूर्व राजधानी एवं संबलपुर दुईट स्थान में प्लानेटोरियम रही है प्लानेटोरियम हुए कोटना कोटी ये निहांती भाव में कार्यकारी होगा दरकार कहीं 14 वर्ष तलू निष्पत्ति होती पीतांबर जगह तो चिन्हट कर कनिष तहसिल अधीन गोपालपुर निकट विक्रमपुर स्थान चिन्हट कर तेज स्थान को नहीं बद कहीं उपजिला बास्तविक स्थान सहित कौन असुविधा रही कहीं स्थानीय लोक जो अभियोग कर स्थानीय लोक सहित प्रशासन गोटे तालमेल रोनि असुविधा क्यों रोचे जगह को लेकिन देखो आम पूर्व कि विगत वर्ष चित्र सामना को आनी से स्थानीय लोक कहते आम को सरकारी स्तर में कह जदिओ इटी भित्तिभूमि स्थापन हुए तेज ये अंचलवासी कौन लाभवान पाई अंपटे बड़ कथा हूँ गोटे प्लानेटोरियम सेठिकार जलवायु सेठिकार लोक मानतायात से जगटी केपयुक्त हो पाए ये सब कुछ नहीं गोटे ग्रामवासी मन में छक्का पशुची जिते ग्रामवासी मैंने शत प्रतिशत क्लीयर हो पार ना प्लानेटोरियम आमको लाभ कौन हम क्षति कौन हम किंतु से ही स्तर में लोक मान बुझाइबार आवश्यकता रही लोक मान सचेतन करार आवश्यकता रही आपण मैंने लाभवान हो पारे कौन कौन लाभ उठाई पारे आपण अंचल आपण अंचल विकसित हो क्षेत्र को दृष्टि दबार आवश्यकता रही है किंतु एत बड़ योजना गोटे कि दुई कोटी नुह 14 कोटी योजना केवल जे योजना हो पारे त्वरान्वित हाप आहरी टंका आसवि भाव में गोटे बड़ पदक्षेप को कहीं प्रशासनिक उदासीनता देखा जाऊँगी से गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती प्रश्न करते मतलब लोकंर कहीं एमती गोटे मनोभंग रोच एमती गोटे लोक मैंने कहीं बारण कर कहीं फानल द्वारस्थ हो
तो लोक मैंने जो गाँव में जो प्लानेटोरियम हुए तो निश्चित भाव से लोक मान को लाभ लाभ दब से प्लानेटोरियम कौन क्षति पहुंचाइब से ग्राम रो मौजा जमी रही जमी को ने प्रशासनिक सरकारी स्तर से जमी को नेले से लोक मान को कौन क्षति पहुंचाइब कौन लाभ पहुंचाइब ये सब दिगरे विशेष भाव पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन ग्रामवासी अंचलवासी लोक प्रतिनिधि समस्त गोटे मिली भगत सचेतनता रहिबार आवश्यकता रही निहांती भाव में पीतांबर समस्त सहित आलोचना दरकार जेहेतु स्थानीय लोक अभियोग जदि प्लानेटोरियम हो आम कौन फल आमर कौन लाभवान आम हेबू तेणु कौटना कौटी प्रशासन और स्थानीय बासिंद गोटे आलोचना हमारे आवश्यकता रही समाधान बाहर आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाक गंजाम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आम सहित आलोचना करते निमित्ता परवर्त खबर को आसवा मलकानगि पोड़ा खाल को विद्युत एवं पर्यंत ना डी भरोसा चलुंट लोक मैंने आप चिंता करते ये हूँ स्वाभिमान अंचल जोठी विकास चित्र देखा मिलूँ किंतु विकास नग्न चित्र बोली आम आपको कहीपर विकास केवल खाता खतियान में रही जाइए विभाग अधिकारी बारंबार अभियोग हो बाबद लोक मैंने अवगत करथापि सुफल मिलना ये सामना को आसवा ए दिगरे तुरंत पदक्षेप ने विडीओ प्रतिश्रुति ग्रामवासी सात सपन पलटि विद्युत मलकानगि जिला स्वाभिमान अंचल में बहु उन्नयनमूलक कार्य होत्वे जोड़ांब पंचायत पोड़ाखाल गाँव में एवं विद्युत आलोक पहुंची पारिना एवं पर्यंत जहाँ को लेकिन लोक मैंने असंतोष व्यक्त कर भरोसा चलने बाध्य होने ए बाबद अधिक सूचना पाई अमर प्रतिनिधि विक्रम सीधासल काम सहित जोड़ी होती विक्रम स्वाभिमान अंचल विकासमूलक काम किंतु लोक माने अंधार रे रहिबा डिबिरी आलुअरे चलिबा निश्चित भाव रे आश्चर्य करूछि निश्चय कहवा देखो बालीमाला जलभंडार होगापर हजार हजार लोक से विस्थापित होते से राज्य सरकार प्रतिश्रुतिर पहाड़ ऐसी सब प्रकार सुविधा सुजोग जगह दीजिए कितु दीर्घ सात दशंधि पर गुरुप्रिया सेतु है 2018 मसीह तापर वर्तमान राज्य सरकार आउ किसी प्रतिश्रुतिर पहाड़ ठिया करदे कि वर्तमान जो कह देखु निवेदिता गुरुप्रिया सेतु है स्वाभिमान अंचल घोषणा कलापर मलमाल योजना मलमाल प्रतिश्रुति रखाला कि वर्तमान सुधा जी कह जलभंडार है कोटी कोटी टंका राजस्व पाले राज्य सरकार से किंतु से जो जो जलभंडार जहाँपार जो मैंने विस्थापित हेले से विद्युत जोगे पारे राज्य सरकार सबुठ बड़ कथा हूँ देखूँ से गाँव को जो पोड़ाखाल कह जोड़ांब पंचायत पोड़ाखाल गाँ से गाँव को रास्ता ना समस्त प्रकार मौलिक सुविधा से वंचित अच्छे कह बार विद्युत न मिल आउ एक समस्या को जन्म जे स्कूल कॉलेज पिलामने जाई पारु नांती ऑनलाइन शिक्षादान पई कह जाउची जदि विद्युत सरबराह पहुंची पारिबो नाही गाँव में जदि विद्युत सेवा मिलिबो नाही शिक्षादान संभव होई पारिबो कि ऑनलाइन रे एटा तो सब बड़ कथा नै होइता काहेकि ना देखंतु वर्तमान जो विद्युत सेवा से जबूठ से गाँव बसती स्थापित हो स्थापित होबूठ से विद्युत ना बारंबार से अभियोग करते समस्त प्रकार असुविधा करेतु से गाँव टी संपूर्ण भाव में तीनो पहाड़ घेर मध्य अच्छी से बारंबार अभियोग करते विद्युतकरण कराओ से विद्युत सुविधा जोगाई दिजा कितु विभाग अधिकारी जब कह साउथ करतृपक्ष कि जिला जिला प्रशासन एप्रति कौन प्रकार दृष्टि देना जहाँफल से असुविधा भोगुँ बर्तमान जब कह शिक्षा व्यवस्था से ही अंचल जो शिक्षा से पाठ पढ़ी था कि अनलाइन शिक्षा पाई था उत्तर जानवाप्रति विभाग अधिकारी दृष्टि पूर्व अनेक थर आकर्षण करा सरी कि विभाग अधिकारी कहीं दृष्टि देना कहीं सुफल मिलना से नहीं गणमाध्यम सामने किसी प्रतिक्रिया रखते कि सुतलना गोटे कथा कह आम बारंबार जोजोग कर चेषा कलु से सीधा सड़क आमको प्रतिक्रिया देते आम कैमेरा सम्मुखें कौन कथा कहीपरुन कितु आम जिते शीघ्र चेषा करूँ से अंचल विद्युतकरण जोगाई कौटना कौटी कह आंतरिकता अभाव बर्तमान पर्यटन पोड़ाखाल विद्युत सेवार वंचित अच्छे सुतलना बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना विक्रम विक्रम जो भाव में कहते हैं बर्तमान सुधा किसी प्रतिश्रुति दि जाइले भी ताण कराई अंधारे ही लोक मैंने रोचते मलकानगि पोड़ाखाल दृश्य निश्चित भाव में बयान करुच्चे विकास एटी सात सपन आग को आज किसी खबर देखा कि समय ब्रेक र
स्वागत आम लगातार भाव विभिन्न प्रसंगे आलोचना करेष प्रसंग जहाँ रही है आलोचना करवा जाजपुर में मनरेगा महादुर्नीति बनार धोई मनरेगा महादुर्नीति 22 लाख व्यय 22 वनीकरण प्रकल्प क्षेत्र में ना 22 गछ जिलापा कार्यालय अनशन पर सजबाज होती स्थानीय बासिंदा तेरे स्मृतिलग्न आप जानते जाजपुर एमती एक जिला जोटि की सब चर्चा रही आस विशेषकर जितेबले कामटे मिलूनी महामारी समय जो श्रमिक मैंने रही घरे हाथ बांधि बसिंट एमती कि बाहर राज्य उपर निर्भर करने पड़ी राज्य सरकार गोटे सठिक भित्तिमि स्थापन करुक्ति सृष्टि जो बाहर राज्य उपर निर्भर करने पड़ी दादन खटाक जाऊँगी केन्द्र सरकार मनरेगा योजन कि श्रमिक मैंने निज राज्य कम पाइपर से नहीं व्यवस्था कले कि यार एमती किसी चित्र सामना को आसुची जे लोकों काम मिलूनी मेसीन काम करुच्चक भाव टा हरिलुट कर श्रमिकों नाँ एमती किसी चित्र सामना को आसुची जाजपुर अभियोग सामना को आसपापर बारंबार देखा मिली प्रभावशाली गोष्ठी अच्छा जो मैंने तदंत को विलंब करपेक्षा कर दर्शाइबे जे बना आसला सबकि धोई होगा चारा रोपण कराइला जहाद्वारा कोटी कोटी टंकार दुर्नीति संभव हो पार कि महादुर्नीति जिते सामना को आसुची से तार तदंत कर गोटे गोष्ठी अच्छा जो मैंने चाप पकाउंट तदंत को विलंब करनारे कहे चारा रोपण होता कि धोई होगा ये स्पष्ट भाव में देखा मिली निहांती स्मृति लग्न आज देखिए ये जो अभियोग आसुच्छे विशेषकर 22 लाख व्यय 22 टी वनीकरण प्रकल्प और क्षेत्र में ना 22 टी गछ 22 लाख टंका बराद कर 22 टी वनीकरण प्रकल्प रही कि 22टा गछ भी लग जाऊ अपेक्षा रही आप जमी कहते लगाण वर्षा हो बना परिस्थित उपजीब चारा लग जा चारा धोईगला एभली किसी आल देखा और कोटि कोटि टकर लुट कर यार मध्य जिते बड़े श्रमिकटे रही काम मिलूनी से टा लुट कर तमाम अभियोग आसुच्छे जाजपुर विशेषकर गंडा गंडा माल माल अभियोग आसुच्छे जाजपुर जिलूर आपड़ जब देखिए स्मृति लग्न गच लगवा बनीकरण ना लक्ष लक्ष टा मिथ्या बिल कर 2020-21 और 2021-22 वर्ष में मोट 22 टी वनीकरण प्रकल्प में 22 लाख 3000 टा बिल कर राज्य में यह चित्र अनेक जगह देखा मिलूँ कहुच्छे वृक्षरोपण कर जगह को जा देखा बेलू गोटे भी गच लगुनि खाता खतियान किंतु सहसह गच लगी तो स्पष्ट भाव में जमापड़ी बनीकरण ना केते टंका चलु करुछन्ते विभागीय अधिकारी एवं सलाह सूत्रे एमती काम सब आगे चली मनरेगा महादुर्नीति को लेकर अभियोग आसपापर तदंत हो कि कार्यानुष्ठान हो कि ये प्रश्न समस्त मनरे तेज निविता आउ कि खबर देखा कि समय हेडलाइंस दीर्घ दिन पर राज्य में 1700 तले दैनिक पॉजिटिव संख्या 24 घंटे 1648 आक्रांत सेपटे पुणी 58 जन जीवन नेला भाइरस खोर्धार सर्वाधिक 19 मृत्यु एसीएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला पारला खेमुंजी बालेश्वर मयूरभंज अभिमुखे 6 जनिया पुलिस टीम पत्नी विद्या भारती और सौम्य परिवार को करे पचराउचरा आज सारा राज्य में बस सेवा आरंभ कोविड कटकणा भितर बस चलाचल मिली अनुमति मे 5 रु जातायात उपर लगी कटकणा अनेक बस रे जांत्रिक त्रुटि थिबारु आज गड़ब 2-3 हजार बस आज संसदर मौसुमी अधिवेशन उपस्थापित हो पारे 23 गुरुत्वपूर्ण बिल शांतिपूर्ण और गठनमूलक चर्चा पर मोदी आह्वान सरकार को घेर को विरोधी रणनीति काली महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़े श्रीजीव राति 8 टू पुरी में 48 घंटिया कर्फ्यू सिल हो सब प्रवेश पथ सेपटे नवमी संध्या दर्शन वंचित हेले भक्त आवास योजन दुर्नीतिर गंध ठिकादार बंधा पड़ी नियम कानून टंका सरला किंतु सरुनी घर नवरंगपुर झरिगाँ आसला संगीन अभियोग एवं पंजाब कांग्रेस को मिला नुआ कैप्टेन दलय कंदल भितरे नवजोत सिंह सिद्धू हेले प्रदेश अध्यक्ष चारि कार्यकारी अध्यक्ष को भी निजुक्ति देला एआईसीसी
तेज सत्य सका सबुदिन भाई आज जन अतिथि अच्छा आज अतिथि ओडिया सिनेमार नायक अनूप साहा मंच नाटक अभिनय आरंभ करते धीरे धीरे ओडिया सिनेमारे से अभिनय करी अनेक सफलता साउंटी आपण तंकु टीवी परदारे कहतु बा सिनेमा देखिबा परे बहुत अधिक भल पाइबा देछंती। कटक बारिपदा रेडियो स्टेशन रु कलाकार भावे निजक प्रथम प्रतिष्ठित करने अनेक ओडिया हिट आलबम टेलीविजन परदारे अभिनय करछंती प्रशंसक को आकृष्ट कर पारिछंती अनूप कुमार साहा तांको सहित अधिक आलोचना करबा अनूप साहा आम सहित जोड़ी होछंती। अनूप साहा स्वागत करुछी आपनकु एवं सत्य सकाळर ए सकाळ को आहुरी अधिक सतेज करिछी आपनकु उपस्थिति। अभिनय आपणक जीवन सहित अंगांगी भाव में जड़ित प्रथम मंच नाटक आरंभ करते आप कहुए थिएटर आर्टिस्ट बा मंच नाटक जो माने करी थांती से माने अलरेडी आक्टिंग रो ग्रामर को बुझी सारी थांती आपणकर मंच नाटक अभिज्ञता बाबद रु प्रथम आरंभ करिबा आपणकर जर्नी विषय रे किछि कथा। नमस्कार। प्रथम ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मानू बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँचे और अनेक अनेक शुभेच्छा। हाँ आपण जो कहले मंच नाटक रु मोर अभिनय जीवन आरंभ प्रथम कॉलेज करियर करथली तापर अनेक स्टेज प्ले करिचे सारा ओडिशा रे बुले बुले बहुत कंपिटिशन पार्टिसिपेट करिचे एवं प्रख्यात नाट्यकार ब्रह्म त्रिपाठी पंचानन मिश्र यही नाटक प्रथम अभिनय करिचे धीरवसा निर्देशन एवं चिन्मय दास पट्टनायक नाटक अभिनय करके मोर अभिनय जीवन आरंभ करिचे। तापर बारिपदार आपण रेडियो स्टेशन कटक रेडियो स्टेशन आर्टिस्ट हो पारे सागर गंगा कहतु लाट साहेब कहतु राजू आवारा कहतु अनेक सिनेमारे आम आपण को देखा पाइछ किंतु प्रथम थर सिनेमा करिबार अनुभूति केमती रही कहुए जे प्रथम थर आप जिते आक्टिंग कले प्रथम थर जिते आपण जड़े नायक भूमिकार अवतीर्ण होते आपण को क्यमेरा सामने ढड़ा करते बड़ आर्टिस्ट हेले हृदस्पंदन बढ़ी जाए चिंता रही था मत दर्शक भल पाइबा देवे तो मो आक्टिंग को पसंद करेंगे तो आपण को अनुभव आपण को अनुभूति प्रथम सिनेमा को लेकिन केमती कौन रही था देखु मु सिनेमा जगतर आसवा आगर प्रथम बहुत स्टेज प्ले कर कन्फिडेन्सटा था अच्छा। ये सिनेमार प्रड्यूसर जी संजय मिश्र जुलु मोर बहुत इंटीमेट फ्रेंड सी मत से कन्फिडेन्सटा मो भर दे जहाँफल मत प्रथम सिनेमार कर प्रथम सिनेमा कर कैमेरा फेस करमी किसी असुविधा हो ना जदिओ से सिनेमार निर्देशक राजू मिश्र थे से आज आम गणारे नहांती बहुत स्ट्रिक्ट लोक एवं बहुत माने बहुत सीरीयस से सब जिनस कितु मत से किसी असुविधा हो ना कन्फिडेन्टली सब करी ओके तबे अनूप बाबू जानवा को चाहिए जे आपण फिल्म आलबम एवं मंच पर कहीं आपणकर इंटरेस्ट आसला आपण कहीं ए लाइन बाछले अलग किसी कर पारि था ए लाइन कहीं बाछले ना ना ए कला तो भितर जन्म रु अच्छे से जे कहते ना किड़ा सर मोर मूल रु अच्छे तेणुकर क्लास फर्स्ट ईयर रु मुझे कॉमर्स पढ़ी फर्स्ट ईयर से प्ले करवा आरंभ करी एवं मु सब कौन से गोटे बड़ आर्टिस्ट बा कौन से लोक को इमिटेट कर पारे समस्त सामना रे भी अनुकरण करने चेष्टा करती स्कूल हुए यूजुअली जी मिमिक्री भल करे बहुत डिमांड आसे जे टे आर कर देख लु टे तार कर क्षेत्र में क्या क्या मिमिक्री कर देखो मु प्राय बहुत जन मिमिक्री करी पारे
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ଏଠି ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ମୋର ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ସହିତ ମୋର ଗୀତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗର ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ, ଏବଂ ସେ ଗୀତକୁ ଲେଖିଥିଲେ ନିମାଇ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଓକେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମେଘ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଓ ନା, ଏଇ ରାତି ଝୁମେ ଏଇ ମନ ଝୁମେ, ଝୁମା ଝୁମା ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲ ନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମେଘ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଓ ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏବଂ ସାଗର ଗଙ୍ଗା ଯଦି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନିହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁପ ବାବୁ, ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ କଳାକାର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ, ଅନେକ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିଛି, ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି, ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଛି, ଆଲବମ୍ କରିଛି। ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳେ। ଷ୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅଲଗା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମିତି, ତା'ର ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଲୋକ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନୁପ ବାବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ନାୟକ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନିଭେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିନେମାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ହେବି ତ ପ୍ରଥମେ ନାୟକ ହେବି? ଜମା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେ କେବେ ମୋ ମନରେ ଏବେ କେବେ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାୟକ ହେଇଯିବି, ହାଇ ଫାଇ ହେଇଯିବି, ଲୋକ ମୋତେ କହିବେ ହାଏ ହାଏ, ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ମୋର ଆଦୌ ଲୋଭ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ଆକ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରେ, କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିପାରିବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ବି ବହୁତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବା ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟତର, କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ତାର ଶୁଣିପାରିବ ଆମେ? ସାଗର ଗଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଥିଲା, ଗୋଟେ ରଚନା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଠିବାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହାଇ ଥିବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଆଦୃତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜ ଅଭିନୟର ପ୍ରମାଣ ଦେବା, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିବା, କେତେ ବଡ଼ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ,
ମୁଁ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ନଥିଲି, କାହାରି ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ମୋର ନିଶା, ତେଣୁକରି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ନିଶା ଥାଇ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କାହାରି ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଅନୁଭବ। ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଚାର୍ମ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ସେତିକି ସ୍ଟୋରି ବେସିକ୍ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉନି, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ହୁଏନି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ସିନେମା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସିନେମା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ? ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉ ଯେ କି ମାନେ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଟ୍ରେଡିସନ୍, ଓଡ଼ିଆର କଲଚର୍ ଆଉ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ କେମିତି ବଲିଉଡ଼କୁ କପି କରିବୁ, ଏବଂ ବଲିଉଡ଼କୁ କପି କରି ଠିକ୍ ସେଭାବେ ତ କରିପାରିବୁନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯାହା ଆମର, ତାହା ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଫଲୋ କରି ବଲିଉଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପିକ୍ଚର୍ ବନଉଛେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ନା ଆପଣ ସେଇ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକରି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ତେବେ ସେଇଟା ସବୁ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ସେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନିଏ, ନଟ୍ ଦେଟ୍ ଫଲୋ କରେ। ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ହେଇପାରନ୍ତି, ଦିଲୀପ କୁମାର ହେଇପାରନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ହେଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଫଲୋ କରେନି, ମୁଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଏ। ଓକେ, ଅନୁଭବ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଟି ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ସେମାନେ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକରି, ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ବି ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ଟେ ନେଉଛି, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଇ ପଦ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାର। ସମୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ନିହାତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆମେ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଶାହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଣ୍ଣବାବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାମାରୀର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଏବଂ ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିନେ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ରହି କଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କରୋନା କହିଲେ, କରୋନା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମୁନ୍ନା ମୋଦି, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ ଥିଲି, ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୀତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ
କରୋନାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲା ରତିକାନ୍ତ ବାରିକ ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିବେ ପାଇଯିବେ ଡରନା ଡରନା କରୋନାକୁ ଡରନା 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 କରୋନାକୁ ଜମା ଡରନା ଡରିଗଲେ ହାରିଯିବ ଦେଶ ଆମ ପଛେଇବ ଡରିଗଲେ ହାରିଯିବ ଦେଶ ଆମ ପଛେଇବ ସମୟର ଏହି ତାଡ଼ନା ଡରନା 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 କରୋନାକୁ ଜମା ଡରନା ଏମିତି ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଗୀତରେ ବୋଧେ ଶୁଣିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସଚେତନତାମୂଳକ ଗୀତଟି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଶୁଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିବା ଆମେ ନିହାତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଅନ୍ୟ ବାବୁ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାଗର ବଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଙ୍କାର୍ଡ଼ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି ରବିନ୍ ହୁଡ୍ ଡ୍ରାଙ୍କାର୍ଡ଼ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି ସେଠି କ'ଣ କି ମୋର ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ମୋର ମେନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରଚନା ବେନାର୍ଜୀ ସେ ଗଙ୍ଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମଦ ବୋତଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାପ୍ ଦେଇଛି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ରିପେଣ୍ଟ କରିଛି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିପେଣ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେଇ ସିନ୍ଟା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଓକେ ଗଙ୍ଗା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କରିବି କୁହ ଜୀବନରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଛି ଦୁନିଆର ଅଇଁଠା ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଦରେ ବୋତଲଟି ମୋ ସବୁ ସାହା ଭରସା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ମୁଦରେ ବୋତଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ସାହା ଭରସା କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ହେବା ପରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ହାତଟି ଉଠିଗଲା ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଗଙ୍ଗା ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଗଙ୍ଗା ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଗଙ୍ଗା ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଗଙ୍ଗା ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଥିଲା ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନୁପ ବାବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋରେ କାମ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି ଓକେ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ରହିବ ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ନିବେଦିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଅନୁପ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନା ନା ଡାଇଲଗ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ସିନ୍ଟା କଲି ନା ଏଇ ସିନ୍ ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସେଠାରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଗାଇ ଶୁଣାଇଦେବି ନିହାତି ସହରର ବତି ସବୁ ଲିଭି ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଲେଖୁଛି ଚିଠି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମନ ଆଲୁଅରେ ସହରର ବତି ସବୁ ଲିଭି ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଲେଖୁଛି ଚିଠି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମନ ଆଲୁଅରେ ସହରର ବତି ସବୁ ଲିଭି ଗଲା ପରେ ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶକୁ କାଗଜ କରିବି
बहुत सुंदर थिला स्मृति लग्ना जिते बेले से अभिनय करथिले वास्तविक मुँह तो पूरा हजि जाइथिली जे गोटे माहौल सृष्टि कर दउछन्ते हटात के ना एवं निहांती बाबरे सेथि पाई तो सेते बेले रो फिल्म गोटे लोकंको बेसी पसंद आसुतला लोक परिवार सहित बसि देखिबा को बेसी पसंद करथिला विशेष करी सागर गंगार गीत मध्ये से गाउथिले एवं अभिनय मध्ये हमको देखाइले निहांती बाबरे से फिल्म टी बहुत हिट मध्ये थिला सेते बेले समय रे तबे अनुभव जानिबा को चाहिबो आमे तो वृत्तिगत जीवन बिषय रे अनेक कथा आले तबे परिवारे के किस सब अच्छा जानवा को चाहिए परिवार रे माँ बापा अच्छा भौणी अच्छे भाई अच्छे मो वाइफ अच्छे ता नाम प्रीति से है पटना पटना रे घर मोर छोट गोटे पिला अच्छे अंशुमान मो भाणीजी अच्छी समस्ते अच्छा परिवार रे निश्चित भाव में हस खुशी परिवार चली लॉकडाउन समय रे परिवार को समय दबापाई पर्याप्त सुजोग भगवान समस्त को देखते जो मैंने कहते व्यस्त बहुत जीवन एकदम घर लोक टाइम दे हो बेसी ही जाऊ से मई एक सुजोग आनी कोरोना जे घर लोक सहित तो मन खोला कि समय बीतवा आपण समय केमी कटुच्छे लॉकडाउन हाँ मुझे कहला ये लॉकडाउन समय तो घर लोक सहित सब रोचे मु भल लगुच मोर जो भाई अच्छे मनोज सा सी अवश्य राउरकेलें रुहे तार फैमिली तार मध्य दुईटा पिला से मझे मझे ए लॉकडाउन पीरियड आसिक आम गोटे गेट टुगेदर हो भल लगे ता छा मु जमी कहली आप छोट छोट प्रोजेक्ट करुचे परिवार मान केवल मोर गोटे भाई अच्छे मनोज सा सी गीत फीत तार गाई दिए सौ तार ए एक्टिंग करिवार सौक बहुत अच्छे कि लाइन ने कहीं ना मो भौणी हूँ भाई हूँ मो वाइफ हूँ समस्ते समस्त भर कि टैलेंट अच्छे किंतु लाइम लाइट को मुझे आसन कहीं ना अनुभव शेष प्रश्न रहिबो व्यक्तिगत जीवन तो आपनकर बहुत भलो चली किंतु कहा जाए जे वृत्तिगत जीवन रे भी आमे जदि लकी हे थाउ आमर जदि सेतिकी भाग्य थाए तो आमको गोटे दीटा बहुत भलो बंधु मिलि जांती इंडस्ट्री आपनको एमति किछि बंधु देइछि कि जहांक सहित आपन बहुत अधिक क्लोज से पुरणा दिनर साथी कोंतु बा वर्तमान रो इंडस्ट्री देखंतु मान मोर बंधु बहुत बहुत अच्छा बहुत क्लोज मुझे क्या पार्टिकुला कह रही नाम आपको नहीं पारिनी अन्य बंधु मान प्रति अन्याय हम से जहाँ सहित बंधुता कै खुली बंधुता कै बहुत ट्रांसपेरेंसी आपको बंधुता एमती थाउ आप खुशी एमती थाउ आप जीत एत बढ़िया गीत गाँव शो को वाइंड अप कर समय होता आम शो वाइंड अप करवा अनुभव आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जोग देवाई कि आपण गीत सहित ही शो को वाइंड अप करने चाहिए आउ गोटे सुंदर गीतर अनुरोध र अक्षय महांत बहुत बड़ फैन अच्छा गोटे गीत गाइद पुण्यर नदी तीरे पापर तरु डाले बसा बांधी रहे पक्षीटीए तुमे जानिछ कि तार नाम किए कहता को छलना पुणी किए कहता को प्रेम पुण्यर नदी तीरे नदीरे नीति से देह धुए हेले नदी जल छुए ना तरु डाले बसी गीत गाए हेले तरु फल खाए नाही स्वर्गर सरसीरे नरकर सत दड़े अनामिका एक इतिहास तार आरंभ ही अंतिम
किए कहे ताकू छलना पुणी, किए कहे ताकू प्रेम पुण्यर नदी तीरे।